महाभारत के जमाने में इसी साइकिल पर बैठकर अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में गया होगा। अरे यार, इसे भंगार में फेंक दो और एक नई मोटरसाइकिल खरीद लो। क्यों, तुम लोग लेके दे रहे हो क्या? अरे नहीं बाबा, नहीं। एक बात बताओ डार्लिंग, पैरों में जूते ना होने का अफसोस करने से पहले आदमी को उन लोगों की तरफ देख लेना चाहिए जिनके पास पैर ही नहीं होते, समझे? गुड मॉर्निंग प्लान मास्टर जी, आज हम दोनों पहले पीरियड से रफू चक्कर होना चाहते हैं। एक जरूरी काम है, कोई रास्ता बताइए ना। प्लान मास्टर पीटर की भगवान रक्षा करे। अच्छा, पहले काम बताओ फिर रास्ता बताऊंगा। एक शादी अटेंड करनी है, रजिस्टर के ऑफिस में 10:30 बजे का मुहूर्त है। तुम दोनों नहीं जाओगे तो क्या शादी नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दूल्हा दुल्हन हम दोनों ही है। इधर आओ। पहले ही तुम्हारा सर रेगिस्तान जैसा है, इस बिचारी की लाइफ भी रेगिस्तान मत बना देना। जा जा। थैंक यू। तुम चलो, हम खुद ही रास्ता निकाल लेंगे। बड़ा आया शादी करने वाला। तुम जा चुके हो दूर, बहुत दूर, गम नहीं। गम है तुम्हारे बाद भी जिंदा बचा हूं मैं। यार कल रात बढ़िया फिल्म देखी, मजा आ गया। अच्छा? हाँ? अरे गंठी बच गई यार, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। तेरे को कॉलेज जल्दी पहुंचना है। हाँ? एक मिनट पकड़ दो, इसे पकड़। वाह भीमा वाह, आ जाओ। Good morning, sir. Good morning. How are you? Fine, sir. Gold flag. Good cigarette, huh? Can I take one? Please, sir. Matchbox है? है। एक काम करता हूँ, ये मैं पी लेता हूँ, दोनों दूसरी खरीद लेना। पैसा है? नहीं सर। Very good. That's what I wanted. यही तो मैं चाहता था। रोज मेरा सिगरेट ले जाता है, इसलिए मैंने सिगरेट छोड़ दी। यार 10:30 बजने वाले हैं, फिल्म देखने का कुछ आइडिया बनाया? अरे यार, have patience, go to your seat.
देखो क्या होता है, जाओ जाओ। कमाल है। अटेंशन प्लीज। प्रिंसिपल साहब कुछ बोल रहे हैं? एक बड़ा दुखित समाचार। आज सुबह हमारे बहुत ही प्रिय प्रोफेसर श्रीमान तुखीराम शर्मा का हार्ट फेल हो जाने के कारण देहांत हो गया। अब सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय प्रोफेसर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राम। चुप है, ये भगवान की प्रार्थना करते करते बीच में शैतान कहां से आ गया? शैतान नहीं, तूफान। सॉरी, तुम्हारे जैसे शैतान स्टूडेंट की जिंदगी का गुलिस्तान उजाड़ सकता है। सॉरी, पहले जिंदा प्रोफेसर को मार दिया उसके बाद सॉरी बोलते हो? क्या सॉरी करने से मरा प्रोफेसर जिंदा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मैं तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट करता हूँ अभी। सर मैं बहुत सीधा लड़का हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इंडियन फिल्म के पोस्टर की तरह मेरे पैरों से चिमटने की कोशिश मत कर। मैंने कहा ना तुझे माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। यू आर जस्ट मैं तुम लोग गए। किसने मारा? मैंने। कौन है भाई? तेरे अंदर का आदमी। अंदर का आदमी कौन है? पहचाना मुझे? तुम यहां से निकल गए? हाँ, मैं तेरे अंदर का आदमी हूं। मेरे अंदर के आदमी हो? तो तुम बाहर क्या कर रहे हो? बाहर की दुनिया बहुत आतंक फैला है, गोलियां चलती हैं। कहीं तुमको गोली लगी तो फिर मेरा क्या होगा? आ जाओ अंदर, आ जाओ। आतंक तो तेरे अंदर भी भरा हुआ है। मेरे अंदर? हाँ, प्रिंसिपल की कुर्सी क्या मिल गई? अपने आप को भगवान समझ लिया है, इसीलिए उठते बैठते दाएं बाएं जब चार लड़कों को डिसमिस कर देता है क्या? नहीं, वो शरारत कर रहा था तो इसलिए मैंने उसको डिसमिस कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि डिसमिस करने के बाद इसका क्या अंजाम होगा, इसके माँ बाप का क्या असर होगा? वो गरीब लोग कहां से पैसा इकट्ठा करके लाए उसको पढ़ाने के लिए? तू प्रिंसिपल है, माने भी प्रिंसिपल का लेबल लगा रखा है, मगर रत्ती भर की अकल नहीं तुझमें। कहां तक पढ़ाई की है तूने? जी मैंने एमए पीएचडी किया है। झाट मारी है तुमने, पीएचडी नहीं किया है। नालायक की इतना भी नहीं जानते कि प्यार सबसे बड़ी चीज है। प्यार में जो बात है वो तलवार की वार में नहीं है। बच्चों को प्यार से समझाया जाता है, जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलता इस दुनिया में। और फिर स्कूल में कॉलेज में कौन शरारत नहीं करता है? तुझको अपने कॉलेज का जमाना याद है? इस जबान के अंदर लाख पेजेस का वॉल्यूम छुपा हुआ है तेरे कार्य करतूतों का। अगर खोलूंगा ना, खोलू अभी खोलूंगा तो खड़े खड़े नंगा हो जाएगा तू। अरे नंगा? ये उम्र है नंगा करने की? घर में कर लेना भाई, यहां करने की क्या जरूरत है? नहीं, अब अगर नंगा नहीं होना तो एक काम कर, मेरे सामने इससे माफी मांग, वरना मैं तुझे डिसमिस करके चला जाऊंगा। मांगता हूं, तुम पहले अंदर तो आ जाओ। आओ। इधर सर, मैं कब से आपके पांव पकड़े बैठा हूँ? आप किससे बातें कर रहे थे? वो मैं अपने अपने आप से। अपने आप से। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। नहीं नहीं माय डियर गोपी, अब तुम मुझे माफ कर दो। क्या कह रहे हैं सर? मैं सच कह रहा हूँ बेटा गोपी, तुम मुझे माफ कर दे। ज्यादा करीब मत, अंदर कहाँ जा रहा, पहले से है एक आदमी। तो क्या है बेटा, मैं मानता हूँ कि जिंदगी जो है वो हंसी मजाक के फूलों को लेकर गुजारना चाहिए, वरना जिंदगी का रास्ता दुख के कांटों से भर जाएगा। और कभी ऐसा कोई मजाक नहीं करना जैसे किसी की भावनाओं को दुख पहुंचे, किसी का दिल टूटे, है ना? जाओ क्लास में, जाओ जाओ बेटा। सुनो ये कभी नहीं करना, मुझे दिखता है। जाओ। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त मैं असली प्रिंसिपल बोल रहा हूं। अभी कुछ देर पहले मेरी आवाज में प्रोफेसर दुखीराम की मौत का ऐलान किया गया था, वो कॉलेज के मशहूर जोकर गोपी ने किया था, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रोफेसर दुखीराम अभी तक जिंदा हैं और वो क्लास में आ रहे हैं, इसलिए आप अपने अपने क्लास में बैठे रहिए, घर जाने की कोशिश मत कीजिए। अरुण वर्मा। यस सर। नाम एक ले रहा, तुम तीन क्यों खड़े होते हो? मैं एक ही हूँ सर। तुम ना तीन में हो ना तेरे में, बैठ जाओ। भानु प्रिया। यस सर। माधुरी एक ही ले रहा हूँ, तुम पांच क्यों खड़ी होती हो? आपको क्या हो गया सर? क्या तुम्हारी ये हिम्मत मुझसे पूछ रही हो मुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम होश में हूँ, मैं एकदम होश में हूँ, एकदम हो। पत्नी के झगड़े से तंग आकर
बेचारे प्रोफेसर ने रात को नींद की गोलियां कुछ ज्यादा ही खा ली थी, शायद उसका असर अभी तक नहीं गया। सर, सर, क्या है गोमती? गोमती? सर, मैं गोमती नहीं, गोपी हूँ। गोपी? वृंदावन से कब आई? नहीं, मैं नाभे वाला गोपी हूँ, गोपी भल्ला। नाभा वाला? नावा? दोस्तों, सर तो गए काम से, अब छुट्टी। प्रोफेसर की जगह आज क्लास मैं लूंगी। फ्रेंड्स, एक पीरियड के लिए ही सही, मिस प्रिया हमारी प्रोफेसर बने, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। गिव हर अ बिग हैंड। प्रोफेसर मैडम, आज आप कौन से सब्जेक्ट पर लेक्चर देकर हम सबको बोर करने वाली है? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगी, मैं तो तुम लोगों के दिमाग का इम्तिहान लूंगी। ये देखिए, अपनी पलकों में शबनम की बूंद सजाए ये फूल और इसके आसपास गुनगुनाता हुआ ये भौंरा एक हसीन कहानी है। क्या आप बता सकते हैं वो कहानी क्या है? हाँ हाँ, मैं बता सकता हूँ। अच्छा, बताओ। फूल भंवरे से कह रहा है, हाँ, कली कली क्यों फिरता है तू, क्यों बन के बंजारा, आ मेरी पलकों में आ मेरे आशिक आओ। मैडम, ये भौरा फूल से कह रहा है, तू क्यों है नाराज मुझसे ऐ जानम, शराब मैंने पी नहीं है, चुरा के तेरे लबों से रस को, नशे में मैं यूं गुनगुना रहा। फ्लावर फ्लावर, व्हाई आर यू क्राइंग क्राइंग। अरे जानी फूल, तुम क्यों रोते हो, सुखी परिवार के लिए हमारे पास है निरोध। वेरी बैड थॉट। अरे गुल, तेरी आंखों में दर्द का ये सागर क्यों, क्या भौरा भी तुझसे मांग रहा है दहेज? ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रही हूँ वो बड़ा ही रोमांटिक क्वेश्चन है। अगर आप में से किसी की महबूबा पहली बार आपकी गाल पे किस करे तो आप कैसा महसूस करेंगे? मैं तो एक्साइटमेंट में मर ही जाऊंगा। एनीबॉडी एल्स? यस मैडम। यस, गो अहेड। मैडम, पल भर के लिए आप मेरी महबूबा बन जाइए और मेरे गाल पर एक किस कर दीजिए, फिर मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि मैंने कैसा महसूस किया। एनी प्रॉब्लम मैडम? नो प्रॉब्लम। मिस्टर विजय, कम हियर, आई विल किस यू। कम ऑन विजय, कम हियर। लक्की फेला यार। कॉलेज में हंसी मजाक तो होते ही रहता है। देख, प्रिया से मैंने किस मांगा, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, बात खत्म। टेक इट इजी यार। क्या बकवास करते हो, इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने उसने तुम्हें तमाचा मारा और तुम इसे हंसी मजाक कहते हो,
ये तमाचा उसने तुम्हें नहीं हमारी दोस्ती पे भी मारा है। अरे वो पैसे वाली होगी तो अपने घर की होगी, लेकिन अपन उसको नहीं छोड़ने वाला क्या? अपने मुजरिम को ना भूलो ना कभी माफ करो, उसके हर जुर्म का हिसाब बिल्कुल साफ करो। और हिसाब साफ करने का प्लान मैं बताता हूँ। स्वयंवर, आज हमारे कॉलेज की छात्रा कुमारी प्रिया सिंह का स्वयंवर है। समय शाम 4 बजे, स्थल कॉलेज लान, सभी राजकुमारों को निमंत्रण है। गुड मॉर्निंग। नोटिस बोर्ड के पास आप लोग मक्खियों की तरह क्यों भिनभिना रहे हैं? आप खुद देख लीजिए। हैप्पी बर्थडे टू आवर बिलवेड प्रिंसिपल। ये किसका काम है? ये मेरा काम है सर, सर ये काम मैंने किया है। अरे थैंक यू वेरी मच, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आज मेरा बर्थडे है। सर आपको मालूम है आप कितने महान हैं? अरे भाई आज के दिन पैदा होने वाले सभी लोग महान हैं। तो इसी खुशी में आज शाम को 5 बजे आप लोग मेरे घर आएंगे और हम लोग मेरे बर्थडे को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। बेवकूफ प्रिंसिपल, मैं तेरे अंदर का आदमी। तुम फिर बाहर आ गए? अरे यार तुम घड़ी घड़ी अंदर बाहर क्या करते रहते हो, तकलीफ होती है ना? जब जब तू गलतियां करेगा मुझे मजबूरन तेरे अंदर से बाहर आना पड़ेगा और तुझे थप्पड़ मार के समझाना पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने क्या गलती की है? गधे, जन्मदिन पर खुशियां बेवकूफ लोग मनाते हैं, अकलमंद लोग नहीं मनाते हैं, क्योंकि जब जन्मदिन आता है तो जिंदगी का 1 साल कम हो जाता है। इसका मतलब तू आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहा है और खुशियां मना रहा है। तुझे चाहिए था कि खुशियां मनाने के बजाय किसी मंदिर में जाता और ऊपर वाले से प्रार्थना करता ताकि वो तेरे गुनाहों को माफ कर दे, समझा कि नहीं? अच्छी बात है, तू जैसे कहता है वैसे ही करूंगा, मगर पहले अंदर आ, तुझे बहुत खाली खाली लग रहा भाई, आज ना। जान में सर, सर इधर। आप किससे बातें कर रहे थे? वो मैं अपने आप से। मगर सर आपने बताया नहीं हम आपके घर कितने बजे आए? 5 बजे, मगर मेरे घर नहीं, राम जी के मंदिर में। लगता है सर गए काम पे। इनको जाने दो मंदिर में, हम जाएंगे प्रिया के स्वयंवर में। सुनो सुनो सुनो, राजकुमारी प्रिया के स्वयंवर में एकत्रित हुए सभी राजकुमारों को हमारा वंदन और हार्दिक अभिनंदन। जो राजकुमार धनुष को तोड़कर अपनी वीरता दिखाएगा वो प्रिया के गले में नहीं, मेरा मतलब प्रिया के पुतले के गले में वरमाला पहना सकेगा। अरे ये तो धाड़ू की सिलाई से बने हुए धनुष हैं। हाँ इसे सभी तोड़ देंगे तो सभी माला पहना सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम, लॉटरी निकालेंगे, लॉटरी में जिसका नाम आएगा प्रिया उसी की होगी, या फिर प्रिया को सबों में बराबर बराबर बांट देंगे। ओके अब मैं भी धनुष तोड़कर प्रिया के गले में माला पहनाऊंगा। ओ प्रिया प्रिया, ओ प्रिया प्रिया। रुक जा। किसने पुकारा? तुम सब किसे कायर हो, बुजदिल हो। मेरे पुतले को माला पहनाकर कौन सा तीर मार लिया? अब मैं खुद यहाँ आकर खड़ी हो गई हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझे माला पहनाओ। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं एक धनुष लाई हूँ, पहले उसे तोड़ना होगा। ये तो असली धनुष है यार। है किसी में हिम्मत जो उसे तोड़ सके? दोस्तों ये सुनहरी मौका हाथ से मत जाने देना, उठो आगे बढ़ो, धनुष को तोड़ो और इस घमंडी कन्या के गले में माला पहनाकर इसका घमंड चकनाचूर कर दो। हाँ, शाबाश। हाँ, निकालो अपने जोर पर दानी की का। हाँ पापा जी, हाँ जरा जोर लगाओ। हाँ हाँ आजा आजा।
तेरा ही सहारा बाकी है। तू अपनी ताकत से इस धनुष को तोड़ और हम सबकी इज्जत बचा ले। यार तू फिक्र क्यों करता है? आप बोला ना, हाँ अभी देख क्या करता हूँ। शाबाश साला मोटा, तू तो रोज वेट लिफ्टिंग करता है यार। साला खाना खा के सांड हो रहा है, एक धनुष नहीं तोड़ सकता। सॉरी फ्रेंड्स, छोड़ यार। सब के सब खोखले पापड़ तोड़ पहलवान हैं। एक भी मर्द का बच्चा नहीं है इस कॉलेज में। लो ये दुपट्टा ओढ़ लो। चलो मैं तोड़ के दिखाता हूँ। तो ये कुत्ता अच्छा है जो बिना वजह भौंकता तो नहीं है। वेल डन विजय, तूने उस कुत्ते को माला पहनाकर उस घमंडी लड़की को ऐसा लाफा मारा कि वह लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेगा। बिल्कुल ठीक है। विजय चल यार, आज इसी खुशी में पिक्चर का पार्टी हो जाए। अरे यार ये पिक्चर कहाँ जाएगा? बोलेगा मुझे ट्यूशन देने जाना है। ट्यूशन देने नहीं जाऊंगा तो मेरी हॉस्टल की फीस और दूसरे खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? मेरे कॉलेज की फीस माफ हुई है, हॉस्टल की नहीं। देख विजय, अपुन ने तेरे को हजार बार बोला, अपुन के होते हुए तू पैसे की परवाह मत किया कर यार। देख भीमा, मुझे तुम दोस्तों की दोस्ती चाहिए, मेहरबानी नहीं। और पैसा दोस्ती का पहला दुश्मन है। अबे तेरे साथ तो बात करना अपना भेजा खराब करने वाली बात है, फौरन लेक्चर देने लगता है। मेरी साइकिल का यार? अरे तेरी साइकिल की जगह तो कोई लाश लगती है। अरे भाई किसने धरती का बोझ हल्का कर दिया? अरे कहीं प्रिया ने आत्महत्या तो नहीं कर ली? प्रिया तोड़कर आज विजय की साइकिल उस नकचड़ी ने, हम शरीफों की शराफत का उड़ाया है मजाक। हाँ
बाबू लोगों की साइकिल तोड़ी थी ना, अब देख क्या होने वाला है। वहाँ आराम गा है, घुसना हराम है, कुछ कहने जा
रही है, महारानी जा रही है, महारानी जा रही है। बजिया पका रहा हूँ तेरे घर के सामने, बजिया। सर जल्दी आइए। अरे तू बतेबाड़ में आ रहा हूँ। ये जोकर है, दिस वन। आ गया भजिया करे, भजिया करे। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गिर गया गिर गया, पकड़ो। आ गया आ गया। में क्या खुशबू है सर। लेकिन सर सभी काम आप ही करते हैं, आप उन लोगों को कुछ काम नहीं देते सर। कितनी मर्तबा का नो सर। सर कॉलेज में, यहाँ नहीं, यहाँ अपन लोग दोस्त हैं। कौन है अपन लोग? दोस्त। ये पत्ते किसने बांटे हैं? मैंने बांटे हैं। तेरे बाप का राज है। मेरे पत्ते कहाँ हैं? आप तो भजिया बना रहे थे सर। तो तू मुझे उल्लू बना रहा था, मुझे बावर्ची समझा है। चल फिर से बांट। अच्छा। बांट। चल। अच्छा एक काम करो, पहले भजिया खा लो, चलो शुरू। अरे मुझे अरे वो कमाने में इतनी मेहनत है। अंकल आपने तो कुछ लिया ही नहीं। क्या लेता तेरा सर, कुछ छोड़ा तुम लोगों ने? लीजिए ना। नहीं कीप द चेंज। अच्छा वो भी खा लिया, बड़ा बेशरम है। अरे तुम लोगों ने भजिया खाया, रिश्वत खाई है, बदहजमी हो जाएगी तुम लोगों को। बदहजमी पे अर्ज किया है। अरे मर गए। नहीं है फिक्र हमें बदहजमी होने की। तू 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 भजिए थे टेस्टी, कैसे छोड़ते हम। ये मिर्जा गालिब की 420वीं औलाद। अभी आपके लिए शेर अर्ज किया करूं? जी हां इरशाद। अर्ज किया है कि भगवान ने किसी को पॉलिटिक्स का माहिर बना दिया, जिसे दिल नहीं दिया उसे कायर बना दिया, लगी आग जिसमें उसको फायर बना दिया, क्या बात, और जो किसी काम का नहीं था उसको शायर बना दिया। क्या करता है? सॉरी अंकल, आप प्रिंसिपलशिप छोड़कर भजिया क्यों नहीं बेचते? भजिया? बेटा तेरे जैसे दो चार स्टूडेंट मुझे और मिल जाए ना, तो मुझे आखिर में भजिए बेचने पड़ेंगे। नहीं नहीं अंकल, मेरे कहने का मतलब था आप भजिए की दुकान लगा लें, 6 महीने में लाखों पति बन जाएंगे। ए इडियट, शर्म नहीं आती अंकल को भजिया बेचने का आइडिया देता है? इतना इंटेलिजेंट एमए पीएचडी आदमी भजिया बेचेगा? अरे अंकल चाहे तो बड़ा लीडर बन के दिखा सकते हैं, क्यों अंकल? अरे नहीं भाई, मुझे भजिया बेचना मंजूर है, सड़क पे झाड़ू मारना मंजूर है, मगर लीडर बनना मंजूर नहीं है भाई। क्यों अंकल? अरे बेटा ये राजनीति, सियासत, पॉलिटिक्स, ये अपनी दुनिया से बहुत बाहर की चीज है। वो कहते हैं ना जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, वैसे ही शरीफ लोगों को सियासत हजम नहीं होती है। अच्छा भी सियासत फिलहाल भेजो और पत्ते बांट, मेरे बराबर बांटना। चल बांट। सर। अरे नो सर यार, अंकल बोला। ओ सॉरी 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 अंकल, बहुत दिनों से मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। पूछो। अरे पूछने के लिए पूछने की क्या जरूरत है, बिना पूछे पूछ। अंकल इतने बड़े घर में आप अकेले ही रहते हैं, मेरा मतलब है कोई फैमिली वगैरह कोई नहीं है? क्या बात है अंकल? अंकल मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया? विजय, बीते हुए कल के अंधकार में झांकने से क्या फायदा है? गमों और दुखों के सिवा मां कुछ नजर नहीं आएगा, इसीलिए मैंने कॉलेज को अपनी दुनिया बना लिया है, अपने विद्यार्थियों को अपने रिश्तेदार बना लिया है। मेरी फैमिली तुम लोग हो, तुम लोग मेरी फैमिली हो। I'm sorry. Thank you.
हमारे होते हुए तेरे पर कोई हाथ उठाए, इट्स अ शेम ऑन अस। विजय तू एक बार, सिर्फ एक बार उसका नाम बता दे, आप उन साले की धज्जियां उड़ा देंगे। तुम लोग खामखा परेशान हो रहे हो यार, मुझे किसी ने नहीं मारा। एक बार उस कमीने का नाम बता दे, टांग तोड़कर पाया बना के पी जाऊंगा मैं। तुम लोग उसे मारोगे तो क्या मेरे जख्म भर जाएंगे है? दर्द कम हो जाएगा? जो होना था सो हो गया। अब तुम लोग जल्दी कॉलेज जाओ, देर हो रही है, जाओ। जाओ यार। अब तुझे क्या अलग बोलना पड़ेगा है? तेरे सितमगर को सिखाए सबक ये ना तुझे कबूल, और खुद जाके सीखें सबक, ये कहां का उसूल है? पीटर पेरेरा। यस सर। प्रिया सिंह। यस सर। विजय वर्मा। विजय वर्मा, विजय वर्मा नहीं आया क्या? नहीं सर, विजय आज नहीं आया। सिर्फ आज ही नहीं, कम से कम 10 दिन के लिए नहीं आएगा। कुत्ते को माला पहनाई थी ना, कुत्ते ने अपना चमत्कार दिखा दिया। कुत्ता भेजा था, हम इधर चार हैं, और अब अपुन लोग तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालेगा। अब तुम ये सोच रही होगी चौथा कुत्ता कहाँ है, यहाँ है। प्रिया डार्लिंग, हमारे पुराने दुश्मन की हालत देख रही हो? अगर तुमने जरा भी गड़बड़ की तो तुम्हारी गोरी चमड़ी उधेड़ कर इसकी जगह तुम्हें खड़ा कर देंगे। खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया तू कुत्ते कहेंगे। पागल होगा क्या तुम लोग? कॉलेज में हंसी मजाक और छेड़छाड़ और बात है, मगर किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलना हैवानियत है। इसे हाथ मत लगाना। विजय, आज हमारे बीच मत बोल तू, आज अपन तुम्हारी एक नहीं सुनने वाले क्या? नहीं भीमा। नहीं भीमा, छोड़ दे उसे भीमा, प्लीज छोड़ दे भीमा। पीटर, प्लीज टेल हिम पीटर, प्लीज फॉर गॉड सेक टेल हिम पीटर, प्लीज टेल हिम। नो सलीम, तू समझाओ से यार, तू तो समझदार है ना सलीम, प्लीज समझाओ से, बीमा को समझा सलीम, प्लीज। ओ, ओ, नहीं बीमा, नहीं प्लीज छोड़ दे उसे बीमा, मैं तुझे गलत काम नहीं करने दूंगा बीमा, प्लीज। नहीं बीमा, नहीं 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 छोड़ दे उसे, वरना मैं ये एसिड पी जाऊंगा भीमा। तुम जो जी में आए कर लो, लेकिन आज अपन इसको नहीं छोड़ेगा विजय, नहीं छोड़ेगा। जल्दी
कल जो कुछ भी हुआ आप उन लोगों को उसका अफसोस है यार। न जाने शराब के नशे में कल किसी को होश ही नहीं रहा। राइट और रॉन्ग, हमने जो कुछ भी किया विजय तेरे फ्रेंडशिप के लिए किया। मुझे तुम दोस्तों की दोस्ती पर नाज है, मगर दोस्ती जताने का जो तरीका तुम लोगों ने अपनाया वो बिल्कुल गलत था। और तूने जो तेजाब पीकर जान देने की कोशिश की वो गलत नहीं था। वाह, क्या खूब निभाई है दोस्ती तूने, जान देने की करके कोशिश आज। तेरी हर सजा कबूल है हमें, पर ये तेरी खता कैसे माफ करे। तुम लोगों को हैवान बनने से रोकने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। खैर, जो होना था सो हो गया। तुम लोग जाओ, जाके प्रिया से माफी मांग लो। जाओ। हेलो विजय। अगर तुम ये समझती हो कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और इसीलिए मैंने तुम्हें बचा लिया तो तुम्हारा यह ख्याल बिल्कुल गलत है। मैंने तुम्हें सिर्फ इंसानियत के नाते बचाया था। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो भी मैं वही करता जो मैंने किया। चली जाओ यहां से। आई सेड गेट लॉस्ट। हेलो विजय, तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूं, नई साइकिल। मैंने तुम्हारी साइकिल तोड़ दी थी ना, मुझे माफ कर दो और इसे स्वीकार कर लो प्लीज। मैं गरीब जरूर हूं मगर भिखारी नहीं हूं। हेलो विजय, तुम यहां क्यों आई हो? मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज गो। नो, जब तक अपनी बात कहने लूंगी मैं जाऊंगी नहीं। विजय प्लीज एक चेक करो। आउट ऑफ माय रूम। विजय तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो, मेरे प्यार को नहीं। I love you, love you, love you, 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 I love you, love you, love
बहुत अच्छा गाती है। अगर तू यही गाना विजय के आगे गाने की बजाय किसी लोकल ट्रेन में गाती तो बहुत सारे पैसे मिल जाते। ये लो मेरी तरफ से रख लो। हाय गोपी। हाय गोपी। होय 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 गोपी, मैं विजय से प्यार करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि तुम विजय से जाकर ये कहो कि वो भी मुझे चाहे। कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्यार जो है म्युनिसिपैलिटी के नल के पानी की तरह है, जो मांगने से नहीं मिलता। जब भी पानी आए फटाक से दिल का मटका भर लो और खटाक से बंद कर दो। वाह 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 वाह, आए नाराज हो गई। पीटर, मैं विजय को पागलपन की हद तक चाहती हूँ। सलीम, मेरे आंसुओं को विजय नहीं समझ सकता, तुम तो समझ सकते हो। भीमा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ तुम अपने दोस्त से जाकर ये कहो
कि मैंने उसके साथ मजाक नहीं किया, मोहब्बत की है। अगर विजय मुझे नहीं मिला तो मैं जी नहीं सकूंगी। विजय ये तो कमाल हो गया, मेंढकी को जुकाम हो गया, मेरा मतलब प्रिया को तुमसे प्यार हो गया। प्रिया बिल्कुल चेंज हो गया विजय, उसका गमन टूटकर चूर चूर हो गया है। तेरे प्यार में वो इतना मैड बन गया है कि अपनी गलतियों के लिए वो तुमसे माफी मांगने को भी रेडी है। विजय ईमान से कहता हूँ, आते ही तेरा ख्याल आंखों से छलक पड़े, आंसू तेरी याद के बहुत करीब थे, कसम खुदा की। ए, तूने भी हद कर दी यार, वो लड़की होकर इतना गिड़गड़ा रही है और तू है कि खाली पीली भाव खाया जा रहा है। अबे तू आदमी है कि क्या है? विजय कौन उधर है? इधर नहीं, तेरा प्यार होने से पहले मुझे पोपला बना देगा क्या? पे 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 पे। अरे प्यारे अभी तो आ रहा है तुझे प्यार पर गुस्सा, एक दिन बन जाएगा यही तेरे प्यार का किस्सा। कसम वाइडर विजय, ये जो प्यार है एक एमएलए की तरह है, एक बार दिल के अंदर घुस गया तो फिर विधानसभा की तरह दिल के अंदर हंगामा ही हंगामा मचा देगा, हंगामा ही हंगामा मचा देगा। वाह 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 वाह। शट अप। मैं अपनी औकात अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी जिंदगी में प्यार व्यार जैसी फालतू चीजों के लिए कोई जगह नहीं है, और अगर मैं प्यार करूंगा भी तो किसी सीधी साधी गरीब लड़की से, ना कि प्रिया जैसी अमीरजादी से, समझे? ऐसी लड़कियां मोहब्बत को सिर्फ एक खेल समझती हैं, हॉबी समझती हैं। अपनी मीठी बातों से पहले तो दिल में अरमान जगाकर कहेंगी आई लव यू। और बाद में कहेंगी कि डैडी मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं, हेल विद यू। वो तो अपनी ऐशो आराम की दुनिया मजे से बसा लेंगे, लेकिन मुझ जैसे लड़कों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगी। क्या तुम लोग चाहते हो मेरा भी वही अंजाम हो? गोपी, रघुनाथ सिंह हियर, कॉल फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, मिस्टर जैक्सन। No, no, no. I'm not interested in this small project of 5 million. Please inform me if there is any bigger deal. I'm sorry about this. I'm sorry. दौड़ दौड़ कर दुनिया भर के फोन अटेंड करने के लिए वक्त है आपके पास, मगर अपनी पत्नी के साथ दो मिनट बात नहीं कर सकते आप। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं है। Don't disturb me. ये आवाज कैसी है? ये एक बेटी की आवाज है, बाप के इनकार का नतीजा। Hey, hold it! सर तोड़ गई मेरा। डैडी, अगर आप हाँ नहीं कहेंगे तो एक एक करके सारी चीजें नीचे आके गिरेंगी। Do you understand? आप बोलिए क्या जवाब है? जवाब सुनना चाहती हो? आऊंगा। इसके बाद अपना एक दिलचस्प आइटम पेश करने जा रही हैं हमारे कॉलेज की होनहार स्टूडेंट मिस प्रिया सिंह। डियर फ्रेंड, आज के प्रोग्राम में मेरे पास ना कोई डांस है ना गाना। तो फिर क्या है? आज मैं आपको एक सच्चा मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाने जा रही हूँ। अरे किस्सा विस्सा छोड़ो, कोई रोमांटिक बात सुनाओ। एक अमीर लड़की को एक गरीब लड़के से प्यार हो गया। उस गरीब लड़के का यह विश्वास था कि अमीर लड़कियों के सीने में दिल नहीं होता, वो किसी से प्यार नहीं कर सकती, प्यार उनके लिए एक हॉबी है, एक खेल है। उस गरीब लड़के की गलत फहमी को दूर करने की और अपने प्यार का यकीन दिलाने की उस अमीर लड़की ने बहुत कोशिश की, लेकिन नो यूज। उस गरीब लड़के ने उस अमीर लड़की का प्यार कबूल नहीं किया। इस हालत में वो बेचारे क्या करे? खुदकुशी करके मर जाए और क्या करे? यू आर राइट माई फ्रेंड, आज वो लड़की यही करने जा रही है। उसको बोलो जो करना है फटाफट करे। क्या यार, क्या इसके पहले आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि वो लड़की कौन है? कौन है वो पागल लड़की? वो पागल लड़की मैं। और वो बुद्धू लड़का कौन है जिससे तुम प्यार करती हो? वो बुद्धू लड़का विजय वर्मा। यस, आई लव विजय।
साबित करके दिखा दूंगी कि अमीर लड़कियों के भी दिल होते हैं। उनके लिए प्यार एक हॉबी या खेल नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है, और वो अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी जान भी दे सकती है। अब मैं 5 तक गिनूंगी, 5 गिनने के अंदर विजय को उठकर सबके सामने ये कहना होगा, प्रिया आई लव यू। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इस रिवॉल्वर से आप सबके सामने मैं अपने आप को गोली मारकर जान दे दूंगी। डोंट लाफ माय फ्रेंड, ये रिवॉल्वर नकली नहीं है। वन टू टू। अरे चल विजय जल्दी जा, नहीं यार नहीं यार विजय कवर फास्ट। थ्री नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा, छोड़ना। नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, छोड़। ठहर जा। मजबूरी है ना, जब तू होश के दायरे से बाहर निकल जाता है तो तुझे अंदर लाने के लिए मुझे बाहर आना पड़ता है। क्या मतलब क्या इस बात का? तो ये प्रिया और विजय को डांटने जा रहा है? नहीं, इनकी इस मोहब्बत के कारनामे पे इनको गोल्ड मेडल देने जा रहा हूँ। ये तरीका प्यार करने का? तेरे अकल की दुश्मनी, लैला मजनू का जमाना नहीं है। अभी तो सिर्फ रिवॉल्वर के नोक पर प्यार का इकरार हुआ है। एक दिन ऐसा आएगा कि तोप के दहाने पर और मिसाइल पर प्यार का इकरार होगा। तुझे अच्छा नहीं लगता तो अपनी आंखें बंद कर ले। मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, स्टूडेंट की गलत हरकतों पे आंखें बंद नहीं कर सकता हूँ। क्या गलत काम किया इन दोनों ने? पढ़ाई में जीरो हैं? नहीं, चाल चलन खराब है उनका। अरे नहीं बाबा, अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये उनका जाती मामला है ना, तुझे जाती मामले में टांग लाने की क्या जरूरत है? अरे मैं उनके प्यार के खिलाफ नहीं, उनका दुश्मन नहीं हूँ, मगर डिसिप्लिन की दुनिया में कुछ चीज है कि नहीं है? अब इनको मना नहीं करूंगा तो ये कॉलेज में गाने गाते फिरेंगे। अरे वाह, तो ऐसे वो ना, तो ये काम का नमा जाके चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं। उनको जाके प्यार से समझा कि बेटा ये गाना गाने की जगह नहीं, अगर गाना ही गाना है तो किसी बागीचे में जाओ, समंदर के किनारे जाओ, प्यार से समझाएगा तो मान जाएंगे वो लोग। ऐसे कहूं? तुम्हारी ये मजाल किया जितने लोगों के बीच अपने बाप के सामने चिल्ला चिल्ला कर उस दो कौड़ी के लड़के से तुम ये कह सको कि तुम उससे प्यार करती हो? डैडी, मैं तो अब भी कहती हूं कि मैं विजय से प्यार करती हूं। मैं विजय से प्यार करती हूं। डोंट टेल लाइक दैट। आई लव विजय। आई लव विजय। आई लव विजय। आई लव विजय। I love you, Jay. रुक क्यों गए डैडी? मारिए और मारिए, जी भर के मारिए। आपके थप्पड़ मारने से मेरे दिल में विजय के लिए जो प्यार है वो खत्म नहीं हो जाएगा। अब हंसी कीजिए, जवान बेटी पर इस तरह हाथ उठाते हैं। तुम बीच में मत बोलो। जब लड़की के पैर उसके जूते से ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो उस पर हाथ उठाना जरूरी हो जाता है। मम्मी, ये क्या कर रहे हैं आप? आज से इसका बाहर निकलना और कॉलेज जाना बिल्कुल बंद, ये मेरा हुक्म है। विजय, सुना है कि प्रिया के बाप ने उसे बहुत मारा पीटा और कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। मुझे तो लगता है कि अब वो कॉलेज कभी नहीं आएगी।
झड़ के झड़े हुए पत्तों की तरह मुरझाए हुए हैं। क्या बात? The problem is अंकल, प्रिया कल से कॉलेज नहीं आई। I think उसके डैडी ने उसका कॉलेज आना बंद कर दिया है। इसलिए अपना विजय भी देवदास बना हॉस्टल के कमरे में बंद पड़ा है। ये इश्क नहीं आसा, समझाए अब कौन उसे जाके। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना। यार बंद करना। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रेम रोग का हमारा विजय दिल पर महबूबा की याद का सदमा उठाए बैजू बाबरा बन चुका है। तू गंगा की मौज में जमना। पूरा गाएगा? आप कहते हैं तो पूरा गाता हूं। अब क्या करेंगे अंकल? What shall we do now, sir? एक काम करो, जरा उधर देखना तो। उधर क्या है? अरे उधर देखो भाई। सुनिए अंदर वाले महाराज, गलतियों पर तो झापड़ मारने के लिए बाहर आ जाते हो, अब जरा इस समस्या का हल बताना तो। अरे फिर क्यों मारा यार? अरे बेवकूफ प्रिंसिपल, हर चीज मुझे को बतानी पड़ेगी, खुद सोचो फैसला करना। अच्छा, ये नहीं ऐसे मौका आप भी साथ नहीं देंगे? नो प्रॉब्लम, खुद ही करते हैं। अरे मैंने उधर देखने को कहा था ना, घूमे क्यों तू लोग? सर हम ये देख रहे थे, आप अपने आप से बात कर रहे थे ना? नहीं तो अपने आप से बात। अपने आप से छोड़ो यार, थोड़ी समस्या गंभीर है, कोई हेल्प वेल्प तो करेगा नहीं ऐसे मौकों पर। एक काम करते हैं, खुद ही सोचते हैं, खुद ही कोई हल निकालते हैं। जेंटलमैन, हम लोग मिस्टर रघुनाथ से कुछ इंपॉर्टेंट और प्राइवेट बात करना चाहते हैं, इसलिए आप थोड़े टाइम के लिए बाहर जाइए प्लीज। नहीं, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ तो रघुनाथ जी, हम आपकी बेटी के लव के बारे में, लिपटने चिपटने के बारे में, किसके बारे में, इन सब के सामने बात कर सकते हैं ना? नो 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 यार, अच्छा नहीं लगेगा, रख दो रख दो। ओके ओके, नहीं करते। चलिए भाई उठिए, जल्दी कीजिए। हाँ, चलिए उठिए। कौन कौन बाहर? चलो जल्दी करिए। क्या चाहते हो तुम लोग? एक एक कप चाय हो जाए। जनाब, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत का मतलब तो आप समझते हैं ना? अरे इनको क्या मालूम मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है। इन्होंने तो कभी अपनी बीवी से भी मोहब्बत नहीं की होगी। प्रिया का जन्म तो एक एक्सीडेंट था। अरे यार मतलब की बात करने दे। मिस्टर रघुनाथ, अब तक तो आपको ये मालूम हो ही गया होगा कि विजय और प्रिया आपस में प्यार करते हैं। खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम उस लावारिस सड़क छाप लड़के के साथ लिया तो। नहीं जनाब, विजय कोई लावारिस या सड़क छाप लड़का नहीं है। कॉलेज के 800 स्टूडेंट्स उसके भाई बहन और उसके साथी हैं, और आप उन चारों के लिए वो जान से भी बढ़कर है। उसका लाइफ हमारा लाइफ है, उसका खुशी हमारा खुशी है। हमारा एक ही मकसद है, विजय की मोहब्बत की कामयाबी और प्रिया के साथ उसकी खुशहाल जिंदगी। यह कभी नहीं हो सकता। जमीन पर रेंगने वाले कीड़े को आसमान पर उड़ने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? ख्वाब देखने वाला ही दुनिया में बड़ा आदमी बनता है, जस्ट लाइक मी एंड यू। जनाब, मोहब्बत करने वालों को जुदा करने की मत सोचो, खुदा के बंदे हो तुम, खुद खुदा बनने की मत सोचो। और अगर किसी ने उन दोनों के बीच दीवार बनने की कोशिश की तो आप उन उस दीवार को तोड़ देगा। मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, चेतावनी। और एक बात और सुन लीजिए, अगर कल आपने प्रिया को कॉलेज नहीं भेजा तो आप बहुत पछताएंगे रघुनाथ साहब। स्टूडेंट पावर क्या होता है ये तब आपको मालूम होगा। यस। विजय तू फिकर मत कर, आज प्रिया कॉलेज पक्का आएगी। हम उसके बाप को ऐसा जुलाब देकर आए हैं कि जिंदगी भर याद रखेगा। यहाँ विजय वर्मा कौन है? विजय वर्मा वो है। विजय को छोड़ दो, छोड़ दो, विजय को छोड़ दो, छोड़ दो,
भाग जाओ, नहीं तो साला सब अंदर कर दूंगा। हम लोग इस धमकी से डरने वाले नहीं है इंस्पेक्टर, हमारे दोस्तों को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। और आइए प्रिंसिपल साहब आइए, अच्छा हुआ आप आ गए, आपके स्टूडेंट हंगामा कर रहे हैं, इनको बोलिए यहाँ से चले जाएं, वरना मैं इन पर लाठी चार्ज करूंगा। लाठी चार्ज कर देंगे? यस। इंस्पेक्टर साहब, आपको शायद पता नहीं है कि ये वो चिंगारी है जो लाठियों के बरसात से बुझेगी नहीं बल्कि शोला बन जाएगी। ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप विजय और उसके साथियों को पहले छोड़ दीजिए। नेवर। कॉलेज के प्रिंसिपल होकर भी इन गुंडों और मवालियों की वकालत कर रहे हैं आप? ये आपको गुंडे मवाली नजर आ रहे हैं? ये आपका नहीं, आपकी आंखों का कसूर है। रिश्वत का काला चश्मा लग जाने के बाद सफेद चीज भी काली नजर आने लगती है। ये गुंडे मवाली नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, ज़हीन और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। मगर आपका ज़ालिमाना बर्ताव इनको गुंडे मवालियों जैसी हरकत करने पर मजबूर कर सकता है। आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? आपने इनको गिरफ्तार कहां से किया? किसी जुए के अड्डे पे, शराब की भट्टी पे, किसी वैश्य के कोठे पर, क्लासरूम से ना? अब आप बताइए मेरे कॉलेज में आप घुसे कैसे? कानून जानते हैं आप? प्रिंसिपल की इजाजत के बगैर उसके कॉलेज में घुसना कानूनन जुर्म है, संगीन जुर्म है। अरे ये तो मेरी शराफत समझो कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की नहीं, वरना सर बहुत बर्बाद मत कीजिए, छोड़ दीजिए उनको। चलिए। नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रिंसिपल साहब अब आप जाइए, हम इनसे निपट लेंगे। इंस्पेक्टर, अगर आपने हमारे दोस्तों को फौरन नहीं छोड़ा तो आपका ये पुलिस स्टेशन यहाँ नहीं रहेगा और तुम भी नहीं बचोगे। हम आग लगा देंगे। मेरे होते यहाँ कोई तोड़फोड़ की बात नहीं करेगा। एक बात याद रखो, हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। माइंड इट। मैं फिर कहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, जिद करके कोई फायदा नहीं है। आपको शायद स्टूडेंट्स की ताकत का अंदाजा नहीं है। ये वो ताकत है जो सिमटती है तो मुल्क की बागडोड़ की बुनियाद बन जाती है और जब बिखरती है तो इनकलाब का तूफान बन जाती है। मैं आपको 3 मिनट का वक्त देता हूं। इन 3 मिनटों में आप विजय और उसके साथियों को बाहर निकालेंगे, यहां सबके सामने उनसे माफी मांगेंगे, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं यहां से चला जाऊंगा और उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। इंस्पेक्टर साहब, इस दुनिया में 2 किस्म के इंसान होते हैं, आबाद करने वाले और बर्बाद करने वाले। हम चाहें तो इन विद्यार्थियों को अपने प्यार से आबाद करने वाले बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो अपनी नफरत से इन्हीं विद्यार्थियों को बर्बाद करने वाले भी बना सकते हैं। लगता है आपको आबादी से नहीं बर्बादी से ज्यादा प्यार है, तो फिर आपकी तो भगवान भी मदद नहीं कर सकता है। ऑल द वर्स्ट। प्रिंसिपल साहब जी, मैं उनको छोड़ देता हूँ। ले ली? हाँ। तो बुलाइए हवलदार, उन सबको बाहर लाओ। I'm sorry। अरे भाई सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। उन मवालियों को पकड़ने के लिए कॉलेज के कैंपस में नहीं घुसा जा सकता, लेकिन उनके घरों में घुसा जा सकता है। जी साहब, समझ गया। 2 दिन के बाद मेरी बेटी की सगाई है, और जब तक सगाई नहीं हो जाती उनमें से किसी को भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके। अल्लाह।
को मिलना आपको। तक अपने भाई को बाहर मत निकलने देना, निकलने दिया तो घर में वापस उसकी लाश ही आएगी, समझे? दोस्तों, अपनी बेटी की मंगनी के मौके पर आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मंगनी जरा जल्दी में तय हुई है, इसलिए कुछ खास लोगों को ही बुला पाया हूं और उम्मीद करता हूं कि शादी बहुत ही शानदार तरीके से करूंगा। दोस्तों, मैं आपको अपने होने वाले संधि से मिलाता हूं, मिस्टर अजीत सिंह। मेरे समधी होने के साथ साथ ये मेरे बचपन के दोस्त भी हैं। अमेरिका में इनका बहुत फैला हुआ कारोबार है और मेरा होने वाला दामाद इनका इकलौता बेटा है। और ये हमारे होनहार फ्यूचर सन इन लॉ विक्रम सिंह, जिन्हें हम सब प्यार से विकी कहते हैं। हाय हाय, हेलो। वो सब तो ठीक है अंकल, लेकिन हमारा ब्राइड कहाँ है? बेटे तैयार हो रही, अभी आ जाएगी। Your bride. Hi, Priya. What happened? Hey, take it easy. Now, ek ke saath, shaadi kisi dusre ke saath. This all is very common today. Jo nahi mila, usse bhool jao. Aur hamare saath, new life start karo. Don't you like me, darling? Uncle, what next? Jo karna hai, jaldi jaldi karo. Come on, darling. अपना गोरा गोरा हाथ लाओ, हम तुम्हें रिंग पहनाएगा। What happened? प्रिया अंगूठी पहन लो, मैं कहता हूं हाथ आगे बढ़ाओ। खामा खा की जिद करके उसकी जिंदगी खतरे में मत डालो, अंगूठी पहन लो। Queen.
Come on, friends, let's go. Priya, Priya, look up, Priya, Priya. Uncle, my Priya. Gopi. Haji, yeah. अरे क्या करना? भागने क्या? Oh, sorry, uncle. खुशी के मारे मेरे होश ठिकाने नहीं रहे. तो क्या मेरा ठिकाना गायब कर रहेगा? बुल्लू का पट्टा. भागे ना. लस्सी दे. लस्सी? खारिया मीठी? नाश्ता नहीं किया क्या? लस्सी नहीं रस्सी. वो क्या सामने पड़ी हुई है? ओ रस्सी. ये लीजिए. विजय, ये कपड़े ले और जल्दी से तैयार हो जा. चल 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 जल्दी कर. अंकल, आप मेरे लिए कितनी तकलीफें उठा रहे हैं. आपके इन एहसानों का बदला कैसे चुका सकूंगा मैं? तू मुझको ही डायलॉग सुनाने लगा है? एहसान बाहर की दुनिया में होता, बाप बेटे के बीच में एहसान नाम की कोई चीज नहीं होती है. तुम्हारे से बात करना नहीं. हाँ, वैसे तुम लोग अगर मेरे एहसानों का बदला चुकाना चाहते तो एक काम करो, मेरे लिए भी कोई ढूंढ लो, मैं फेरे लगा लेता हूँ. अंकल, अभी याद आया, आप उनके घर के पास एक गंगू बाई रहती है जिसकी उम्र सिर्फ 60 साल की. आप चाहे तो लगे हाथों फेरे ले लीजिए ना. मैं तुम्हारे प्यार के बीच में नहीं आना चाहता, तुम उसे शादी कर लो. अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, और ये भी कहते हैं कि कोई देखता ना हो. ले बेटी ले, ये फूल लगा. नहीं अंकल, मैंने लगाए हुए हैं फूल. अरे इतने फूल से क्या होता है, ला मैं लगाता हूँ. क्या फूलेंगे? ओहो अंकल, आप यहाँ क्यों आ गए? आप तो दूल्हा के पिता है. तो क्या दुल्हन का पिता है? किसका कहने का तू करेगा? मेरा कहने का मतलब था, चुप. जिस तरह विजय मेरा बेटा है उसी तरह प्रिया मेरी बेटी है. क्यों बेटी? हाँ अंकल, वाह, दोनों तरफ मलाई आप खाना चाहते हैं. अरे शहनाई, जरा जोर से बजा भाई. अंकल, आपके लिए सूट. मैं सूट क्या करूँ, मैं क्या दूल्हा बने वाला हूँ? अरे कमाल करते हैं अंकल, आप लड़की के पिता होकर कन्यादान इन कपड़ों में करेंगे. ये सूट पहनिए, नया वाला है. अंकल अंकल, आप ये सूट नहीं पहनेंगे, आप हमारा सूट और पगड़ी पहनेंगे. आप दूल्हे के पिता होकर इन कुर्ते पजामे में जाएंगे. यस यस अंकल, यू मस्ट वेयर दिस सूट. अरे यही पहनेंगे. शादी वाले दिन कभी की तरह कहाँ कहाँ करते हैं कितने लोग? मगर अंकल, हम इतने प्यार से लाए हैं, पहनो ना. देखिए अंकल, हम भी तो मोहब्बत से लाए हैं, पहनो ना. एक काम कर, प्यार से ये ले लेता हूँ, मोहब्बत से ये ले लेता हूँ. मगर अंकल, प्यार का तोहफा ऊपर आना चाहिए. मतलब मैं ये पैंट ऊपर पहनू, कोट नीचे पहनू, उसके बाद सर्कस में जाके जोकर का काम करूँ. अंधेरा क्यों लग रहा है? मेरी आंख मेरा मुंह क्यों नहीं? ये है शादी है. सॉरी अंकल, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई. ये थोड़ी सी मिस्टेक है? देखा, ये सब तेरी वजह से हुआ. तेरी वजह से हुआ. अरे छोड़ यार, पगड़ी बांध रहा है. अरे ऐसे बोलिए. अरे तुमने पगड़ी नहीं पहनी. अरे छोड़ यार, पगड़ी बांध रहा है. अरे पगड़ी ऐसे बांधते क्या? अरे गठरी की तरह पगड़ी बांधी तूने. अरे छोड़, ऐसी पगड़ी बांधनी चाहिए थी ना. हेलो मिस्टर सिन्हा. हेलो कमिश्नर साहब. ये सब भाग क्यों गए? कुछ नहीं, पगड़ी को गठरी बना के मुझे उसमें लपेट रहे थे. और सब ठीक है ना? बस आपकी कृपा कमिश्नर साहब, आपने अपने ऑफिस में अपनी प्रोडक्शन में सामाजिक रस्म रिवाज के अनुसार ही शादी करने का मौका दिया, वरना लड़की के पिता तो शादी कभी होने ही नहीं देते थे. आपको बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है. यू नो, हम पुलिस वाले तो रात दिन चोरी डकैती और खून खराबे के केसेस में उलझे रहते हैं. इस शुभ कार्य का यहाँ पे होना तो हमारे लिए खुशी की बात है. ओम नमः निर्वाण रूपम विगम व्यापकम देव स्वरूपम स्वाहा, वर कन्या उठकर अग्नि के फेरे लीजिए. ये शादी नहीं हो सकती. कमिश्नर साहब, ये शादी आप करवा रहे हैं? जी नहीं रघुनाथ जी, ये शादी मैं करवा रहा हूँ. कमिश्नर साहब ने सिर्फ इजाजत दी है और हमारी हिफाजत कर रहे हैं. कमिश्नर साहब, अगर ये शादी हुई तो आप दोनों को जेल की हवा खानी पड़ेगी. क्यों साहब, मोहब्बत करना या मोहब्बत करके शादी करना कानून जुर्म है क्या? कमिश्नर साहब, ये शादी बिल्कुल गैर कानूनी है.
क्योंकि मेरी बेटी अभी नाबालिग है। ये अभी 18 साल की नहीं हुई है। डैडी झूठ बोल रहे हैं, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। नहीं बेटा, 18वां साल चल रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। कमिश्नर साहब, यह है प्रिया का बर्थ सर्टिफिकेट। इसके मुताबिक प्रिया के 18 साल पूरे होने में अभी पूरे 15 दिन बाकी हैं। आई एम सॉरी मिस्टर सिन्हा, अब 15 दिन तक ये शादी कानूनन नहीं हो सकती। चल गया होगा कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। यह तुम्हारी पहली हार है। एक मिनट रघुनाथ जी, यह सब वक्त वक्त की बात है। जब वक्त बदलता है तो जीत हार में बदल जाती है और हार जीत में बदल जाती है। लेकिन यही बात मैं आपको याद दिलाऊंगा, आप सिर्फ आज का दिन, आज की तारीख और आज का वक्त याद रखिए। विजय यार, ये फोटो देखते रहने से पेट नहीं भरेगा, आज तो मेहरबानी कर, खा और खाने दे, बहुत भूख लगी है। विजय, तू खाना खाएगा कि नहीं? नहीं खाऊंगा। सच कह रहा, नहीं खाएगा? नहीं खाऊंगा। नहीं खाएगा? नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अपना अपना प्लेट हाथ में उठाओ, मेरी मुझे दे दो। लाओ, गेट अप, अबाउट टर्न, मार्च, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। यार कमाल कर रहे हो, मेरे लिए तुम लोगों को भूखा रहने की क्या जरूरत है? अब जवाब दो। जे, तुम अपना लव के लिए भूखा रहता है, हम अपना फ्रेंडशिप के लिए भूखा रहता है। अरे खुदा हमें ऐसे दिन न दिखाए कि भूखा रहे तू और हम मौज मनाए। बैठे हैं दिल पे ये अरमान बसाए कि अपने यार की दोस्ती पर कुर्बान हो जाए। चलो यार। पागलपन है बेटी, डैडी मुझे कैद कर सकते हैं, मेरे दिल को नहीं, जिसकी हर धड़कन में विजय समाया हुआ है। लेकिन इस तरह खाना पीना छोड़कर अपने आप को दुखी करके क्या मिलेगा बेटी? मौत तो मिल सकती ना मम्मी, मैं बिना खाए विजय का नाम लेते लेते मर जाऊंगी। हाँ बेटी, अब तो तू कुछ भी कह सकती है, अपनी मर्जी से जी सकती है, अपनी मर्जी से मर सकती है, क्योंकि अब तू बड़ी हो गई है ना। मगर तूने ये नहीं सोचा, पालने में तेरी रोने की जरा सी आवाज सुनकर जिस माँ का कलेजा फट जाता था, आज मैं तुझे इस तरह तड़प तड़प कर मरते हुए कैसे देख सकती है बेटी? बोलो बेटी, कैसे देख सकती है? मैं क्या करूं मम्मी, विजय को देखे बिना निवाला मेरे गले से नहीं उतरता। तुम विजय के मावाली दोस्तों को नहीं जानते, ये सब के सब लड़के बहुत ही चालाक हैं। अगर जरा सी गफलत हुई तो लड़की हाथ से निकल जाएगी, इसलिए सोच रहा हूं कि तुम्हें और प्रिया को लेकर फौरन अमेरिका चला जाऊं और वहीं पर तुम दोनों की शादी कर दूं। फैंटास्टिक आइडिया अंकल। नमस्ते शमागी जी, मैंने पहचाना नहीं आपको। अंकल, अंकल प्रिया की मम्मी। अंकल नमस्ते। आंटी प्रिया कैसी? आंटी अभी तक तो जिंदा है,
मगर कल क्या होगा कह नहीं सकती। प्रिया के पिता उसे अमेरिका ले जाना चाहते हैं और वही उसकी शादी विकी के साथ कर देना चाहते हैं। उन्होंने बंगले के चारों तरफ सख्त पहरा लगा दिया है ताकि प्रिया से कोई भी न मिल सके। भाई साहब, मैं आपसे प्रिया की जिंदगी की भीख मांगने आई हूं। आप तो जानते हैं हमारे समाज में पत्नी को पति के हर फैसले के आगे चुपचाप सर झुकाना पड़ता है। अगर एक मां अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती है? अगर प्रिया की शादी किसी और के साथ हो गई तो वो जीते जी मर जाएगी। भाई साहब, वो मर जाएगी। इन हालात के अंधेरे में रोशनी की एक किरण सिर्फ आप ही है भाई साहब, सिर्फ आप ही है। कुछ कीजिए भाई साहब, कुछ कीजिए। मेरी बेटी को मरने से बचा लीजिए भाई साहब, मेरी बेटी को मरने से बचा लीजिए, बचा लीजिए। मर्दों के रोता है ए विजय, कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ नहीं होगा। पर अगर होगी तो जंग होगी, इनकलाब होगा, बगावत होगी। ये दौलत वाले जो अपने जूते की नोक से गरीबों की मोहब्बत की तकदीर में मौत लिखते हैं, उस अंजाम को बदलेंगे हम लोग। दोबारा कभी इस घर की मोहब्बत का अंजाम मौत नहीं होगा। दोबारा ऐसी एक जुल्म की दास्तान इस घर में दोहराई जा चुकी है। तुम लोग मेरे परिवार के बारे में पूछा करते थे ना, सुनो, मेरा भी खस्ता खेलता परिवार था। इस घर में भी खुशियां कभी जिंदा थी। यहां की दीवारों से भी तहकर टकरा टकरा कर लौटा करते थे। मेरा भी एक बेटा था, उसे एक दौलत वाली की बेटी से प्यार हो गया है, मगर उस दौलत वाले ने उनके प्यार को अपने जूते के नीचे मसल के रख दिया। ये सावित्री देवी आई थी ना यहां पर अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने के लिए, उसी तरह इस चौखट पर उस लड़की की मां भी आई थी अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने के लिए। मगर मैं, मुझमें हिम्मत नहीं थी, मैं बुजदिल, तालीम और सभ्यता की बैसाखियों पर चलने वाला कायर, कुछ न कर सका। उस दौलत वाले की ताकत का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी मुझमें। मेरा बेटा मर गया, उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। देखते ही देखते मेरा घर उजड़ गया, मैं औलाद से बेऔलाद हो गया। अपना एक बेटा तो मैंने गंवा दिया, मगर दूसरा नहीं गंवाऊंगा। एक बेटे को मैंने सेरे की जगह कफन पहना दिया, मगर दूसरे को कफन नहीं पहनने दूंगा। मेरे इस बेटे की मोहब्बत का अंजाम मौत नहीं जिंदगी होगा। भले वो जिंदगी लिखते लिखते स्याही की जगह मेरा खून ही क्यों ना इस्तेमाल हो जाए, मगर तेरी मोहब्बत का अंजाम जिंदगी होगा बेटे, जिंदगी होगा। आ 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
ये इश्क ही बुनियाद है दुनिया की जान ले, ये इश्क ही बुनियाद है दुनिया की जान ले, जिद छोड़ दे है वक्त अभी बात मान ले, बात मान ले अभी बात मान ले, ऐ प्यार के दुश्मन ये तुझे कहना है तुझसे, कहना है हमें ऐ प्यार के दुश्मन तुझे कहना है हमें, ऐ प्यार के दुश्मन ये तुझे कहना है हमें, मासूम दिलों का न तू इम्तिहान ले, इम्तिहान ले तू इम्तिहान ले, जाओ दुआओं
को कहां भगा कर ले गया है? मैं जानता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं। बता दे वरना मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। आई डोंट केयर, विजय के लव के वास्ते हम हमारे जान देने को भी तैयार हैं। कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम, शूट मी, किल मी, ये तुम्हारी पहली हार है। शूट हिम अंकल, डोंट टॉक लाइक अ फूल। इसे जान से मार देंगे तो हमें पिया का पता कौन बताएगा? हम इसे तड़पा तड़पा कर इससे सच उगल पालेंगे। अरे उठो उठो, सुबह हो गई, जल्दी करो। अरे ये अपन लोग कहाँ पहुंच गए यार? खुदा जाने यार, रात को चलती हुई बस पर चढ़ गए थे। अब ये थोड़ी ना सोचा था कि कहाँ जा रही है। अरे जहाँ भी जा रही है, बॉम्बे से तो दूर आ गए ना। बी हैप्पी, हंसो यार। यार लगता है किसी बड़े शहर में पहुंचे हैं हम। लेकिन शहर कौन सा है? अरे ये तो मैसूर पैलेस है। तुम्हें कैसे पता? अरे टीवी पर टीपू सुल्तान सीरियल में देखा होगा। अच्छा, मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। अच्छा मतलब कि हम रातों रात मैसूर पहुंच गए? हाँ। अरे ये किसका पुतला है? मेरा नहीं है। बस कब रुकेगी? अरे इससे पहले कि किसी को पता चले कोई हमें देख ले, चलो जल्दी यहाँ से उतरे। चलो ठीक है, चलो सामान उठा लो। चलो हमारा घर के सामने गाने बजाने का प्रोग्राम करके हमारा होने वाला फाइन को तुम किडनैप कराया है। बोल प्रिया कहाँ है? लगता है तेरे दिमाग के पिंजरे से अकल के सारे पंछी उड़ चुके हैं। बताना होता तो पहले नहीं बता देता। अब क्या समझता है मार खाने के बाद मैं तुझे बताऊंगा? बोल, नहीं तो जान से मार देगा। शौक से मार डाल। कहते हैं प्यार के रास्ते में जो कुर्बान होता है वो शहीद हो जाता है। मैं भी अपने बच्चों के प्यार के लिए अगर कुर्बान होकर शहीद होऊंगा तो मेरा नाम भी प्यार की किताब में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? बिल्कुल। ये भी हाँ बोल रहा है। क्यों ब्लडी? हेलो प्रिंसिपल अंकल, मैं गोपी बोल रहा हूँ मैसूर से। हम सब यहाँ ठीक ठाक पहुँच गए हैं। आप चिंता मत करना, और बाकी के 10 दिन भी हम यहीं गुजारेंगे। और हाँ, 10 दिन के बाद आप भी इधर ही आ जाना, सब मिलके विजय और प्रिया की शादी धूमधाम से करा देंगे। ओके? और सुनिए पीटर, किसका फोन था मालूम? तेरे चमचे का। वो मैसूर में है, तेरे लिए मैसेज दिया है कि मजे में है। अबे गधे, मेरी आवाज सुने बगैर तूने सुअर का सब कुछ क्यों बता दिया? अब एक काम कर, विजय प्रिय को लेकर कहीं और भाग जा। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा तू? नहीं सुन रहा। ऑफलाइन
प्रिंसिपल साहब से सारी बातें हो गई ना? बात तो हो गई थी, लेकिन पीटर के बारे में पूछने से पहले ही फोन कट हो गया। ए, टेलीफोन का सिस्टम बड़ा खराब है। वेरी बैड। खैर कोई बात नहीं, तुम सब तो बॉम्बे जा ही रहे हो। बॉम्बे क्यों, हम क्यों जाएंगे बॉम्बे? वाह बेटा, लड़की मिलते ही अपन दोस्तों की छुट्टी। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मैं और प्रिया तो कहीं भी छुपके रह सकते हैं, लेकिन अगर सब मिलकर रहेंगे तो किसी की भी नजर पड़ सकती है। इसीलिए तो मैंने होटल में कमरा बुक करने से भी मना कर दिया। देख विजय, तू चाहे कुछ भी कह, हम बॉम्बे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। गोपी, विजय का कहना ठीक है, साथ रहने से प्रॉब्लम हो सकती है। चलो एक बात तय कर लेते हैं, तुम दोनों जहाँ कहीं भी रहो, आज से ठीक 11 दिन के बाद यानी कि 21 तारीख को हमें इसी वक्त इसी जगह मिलना। ये ठीक है। और हम प्रिंसिपल साहब और पीटर को लेकर यहाँ पहुँच जाएंगे। ओके डन। और उसके बाद शादी हनीमून बच्चा, शादी हनीमून बच्चा, शादी हनीमून। विजय क्या हुआ, अचानक तुम किस सोच में पड़ गए? हाँ प्रिया, तुम कितनी सुखी थी अपने घर में, कितने ऐशो आराम से रह रही थी, लेकिन जब से तुम मेरे साथ हो तुम्हें तकलीफों के सिवा और कुछ भी नहीं मिला। मेरे साथ छुप छुप कर भटकना पड़ रहा है, ये सोचकर मैं thank you.
क्या भी इधर है? हमें शक था कि रघुनाथ जी अपनी बेटी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, इसलिए हम लोग यहीं रहकर तुम दोनों की निगरानी कर रहे थे ताकि तुम्हारी हिफाजत कर सके। भाग भीमा, भागो 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 भागो। भीमा, गोपी, विजय और प्रिया किधर आए? नहीं बताऊंगा, ये तुम लोगों की दूसरी हार है। घबराओ मत भैया, घबराओ मत। विकी, हमें चाहिए प्रिया, और तुम इस उल्लू के पठे लफंगे को ले आए। डोंट वरी अंकल, मैं लोग के थ्रू प्रिया का पता लगा के ही रहूंगा। मुझे तो नहीं लगता कि इनमें से कोई भी हमें प्रिया के बारे में कुछ बताएगा, और अगर हमें प्रिया का पता नहीं चलता तो हमारा बंबई से मैसूर आना बिल्कुल बेकार और बेमानी है। विकी, हम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हम बंबई में पूल बेचकर कितनी आराम से जिंदगी गुजार रहे थे, तुम ये कहकर मैसूर ले आए कि यहाँ तुझे रानी बना के रखेंगे। यहाँ भी पूल बेचकर ही जिंदगी गुजारनी पड़त है। अरे तू फिक्र क्यों करती है, तू बोल तो सही, तेरे को क्या चाहिए? शादी के इतने साल बीत गए, हम कितनी बार कह रहे कि हमका एक मुन्ना दे दो, पर तुम सिर्फ बात ही बात करो, तो कौनो फायदा नहीं। देख फुलवा, मेरी मर्दानगी को मत ललकार। हाँ जी, छोड़ो छोड़ो, कितनी बार पहले भी ललकारा था, कहाँ हुई गवाह? ऐसी बात है तो फिर आज तू नहीं, अब मैं नहीं। अरे जाओ, हम कौन लोग होंगे? अम्मा अम्मा अम्मा, यार अम्मा नहीं हूँ, ये ना है तू? ये ला पा, ये नहीं दो बंदे जा रहे हैं। आप कौन है? हम कहाँ हैं? अरे ये तो हमरे हिंदी भाषा बोले थे। तो क्या तुम भी हमरे तरह बंबई से यहाँ रोजी रोटी के लिए आए हो? नहीं, घर से भाग कर आए। अच्छा अच्छा, घर से भाग कर? क्यों, घर से काहे भाग आए हो? तो अब पता चला कि तुम लोग घर से काहे भाग आए हो। अरे यार, तुम्हारी प्रेम कहानी में तो बहुत बहुत मिर्च मसाला भरा हुआ है। बैठो बिटिया, बैठो बैठो बबुआ। अरे शर्मात काहे हो, बैठो। अरे बैठो बैठो, अब चिंता की कौनो बात नहीं, तुम लोग यहाँ रह जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे अगर तेरा बाप भी यहाँ आ जाए ना तो हम उसको देख लेंगे। अरे भाई, एक बात हमारी समझ में ना आई कि जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो शादी काहे नहीं कर लिया? इसलिए कि मैं अभी माइनर हूँ। हाँ, तो तुम मैना और ही पोपट है। अरे नहीं मौसी, मतलब ये अभी नाबालिग है, इसे 18 साल पूरे करने में अभी 10 दिन बाकी है। 18 साल नहीं हुए तो क्या शादी नहीं हो सका? अरे हमारी जब शादी हुई ना तब फुलवा 13 साल की थी, अंगूठा चुस्ती थी। अरे मगर मौसी, आज ऐसी शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया है। लो,
सरकार ने शादी ब्याह पर भी कानून लगाए दिया तो लगाने दो, हमरा का है। अरे ई बात से हमरा तो फायदा ही हुई कवा। कैसे? हम सारी जिंदगी भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान एक बार तो हमरी सुनी गोद भर दे। देखो तो आज उसने हमरी गोद में दो दो बच्चे दे दिए। अब तुम लोग कहीं नहीं जाना, यहाँ ही रहना हमरे पास। हम 10 दिन बाद तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से कराए देंगे। हाँ। और सुनो, तुम 10 महीने बाद एक फूल सा बच्चा हमरी गोद में दे देना। हाँ, और क्या पता इसकी गोद के बाद तेरी गोद भी भर जाए। क्या हुआ, प्रिया आज भी नहीं मिली? नो अंकल। विकी, प्रिया के 18 साल पूरे होने में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। अगर 5 दिन के अंदर अंदर हमें प्रिया नहीं मिली तो वो बालिग हो जाएगी, फिर उसे विजय से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अंकल, एक आइडिया आया है। आइडिया आया है, बोलो। पेपर में एडवर्टाइजमेंट With Priya's photo. कैसा रहेगा? फुलवा, ए फुलवा, अरे ये देख क्या लाया हूँ मैं। कहाँ है? अपने बच्चों के लिए कपड़े लाया हूँ मैं। अरे वाह, तुमका भी 2 दिन में बच्चों से इतना प्यार हुई कवा? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये बच्चे तो हमारी जान से भी बढ़कर हैं। अरे इन्हीं की वजह से तो हमारे भाग खुलने वाले हैं। देखो मैं शहर जाता हूँ, फूल देकर पैसे लेकर वापस आता हूँ। तब तक तुम इनका ध्यान रखना, इन्हें यहाँ वहाँ भटकने मत देना। देखो भाई, जंगल में बहुत भयानक जानवर है, संभालना। जल्दी जाए के आओ ना। विजय देखे तो कौन सा ड्रेस लाए? हाँ बाबा, दिखाओ तो कैसन है। हाय, कितने अच्छे कपड़े हैं। जैकेट। ब्यूटीफुल। अरे ये का, ये तो बिटिया का फोटो लगत है। क्या? का हुआ? ये फोटो देखकर तुम लोगन का चेहरा काहे लटक गया? अरे मौसी, ये तस्वीर प्रिया के पिताजी ने छपाई है और लिखा है कि प्रिया का पता बताने वाले को 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हाय दैया, तुम्हार बापू तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी लगत है। पर तुम फिक्र न करो, यहाँ कोई भी नहीं आ सकत। और देखो तुम लोगन भी शहर की तरफ मत जाना। ठीक है मौसी। हैप्पी न्यूज़ अंकल, हैप्पी न्यूज़। हैप्पी न्यूज़? आज तक तेरे मुंह से कभी कोई हैप्पी न्यूज़ नहीं सुनी। व्हाट हैप्पी न्यूज़? अंकल, प्रिया का पता चल गया है। क्या? यस, पेपर में हमारा एड पढ़कर एक फूल बेचने वाला आया। लुक देयर, वो बोलता है प्रिया उसके घर में है। सच? यस, बट ही इज अ ग्रीडी मैन। वो 1 के बदले 2,00,000 रुपए मांगता है। अरे बेवकूफ, रुपए की परवाह मत कर, जितना मांगता है दे दो उसे। तू प्रिया को लेकर आ, जा जल्दी जा। ओके। ए प्रिया। कर लिया। मौसी अब आपकी बारी है। मैंने ये पट्टी आपको बांध दी, आप हमें पकड़िए। अरे बिटिया, मौसी यहाँ आया है। अरे कहाँ? देखो आपको ज्यादा ना भगाओ। मौसी मैं यहाँ हूँ। अरे कहाँ हो बिटिया? ये उम्र में हमका ज्यादा तंग ना करो बाबा। कहाँ हो? देखो पकड़ेंगे तो दुई लपड़ लगाएंगे। ए बिटिया। अरे ओ बबुआ। हाँ बाबा। अरे कहाँ भागी गए? अच्छा तो फूलन की टोकरी में छुपी हो। अरे कहाँ भागी गए हो? हम तो यही है। अरे वो छोकरी कहाँ है? कहाँ है? अरे उसके रिश्तेदार आए हैं उसे लेने के लिए। सौंप दो। अरे वो तो सवेरे ही उस छोरे के साथ चली गई। क्या चली गई? क्या बकवास कर रही है तू? इलो, तुम ही तो कह रहे हैं कि वो लोगन के ज्यादा घर में ना रखी, घर से भागे हुए है ना, खामखा बखेड़ा होई।
इसीलिए हमने सवेरे ही भगा दिया। ए तेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने ऐसा कब कहा था? दिमाग हमरा नहीं तोरा खराब हुई गवाह है। फुलवा! देखो भैया, इका दिमाग का बीमारी हुई गवाह है। अभी कहते हैं और अभी भूल जाते हैं। ये बेचारे को माफ कर दो। ए तो माय फुट। अरे मारो इसको। ये लोग मुझे मार रहे थे और तू खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। गए मेरे 2 लाख रुपए गए। तू धिक्कार है तुम पर। पैसन के लिए वो मासूम बच्चन का प्यार बेचाए। हमका तो अपने आप पर शर्म आवत है कि भगवान ने हमें तुम जैसा नीच आदमी का पत्नी काहे बनाया। अब हमें पता चला कि आज तक भगवान ने हमें बिन औलाद काहे रखा। जो आदमी पैसन के लिए इतना गिर सकत है, वो वक्त आवे पर अपनी पत्नी को भी बेच सकत है। नहीं फुलवा, नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। हम सोच रहे थे कि तुम जिंदगी में कब हो तो सुधरोगे, लेकिन तुम ना ही सुधरे। तुम जैसन पापी आदमी के साथ जीने से तो अच्छा है कि हम नदी में कूद के जान दे दे। नहीं फुलवा, नहीं, मेरी बात सुनो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई फुलवा। ये पैसों की लालच में आकर मैं बहक गया था। ये गलती तुम्हारा कभी नहीं होगी। तुम्हें क्या मालूम, उन बच्चन को पाकर हमें ऐसा लग रहा था कि जैसन भगवान ने हमारी जिंदगी की कमी पूरी कर दी हो, लेकिन तुमने खुशी को खाक में मिलाई दिया। विजय और प्रिया यहीं कहीं होंगे, मैं उनको ढूंढ कर तुम्हारे पास ले आता हूँ। सुनो, तुम सच कहते हो ना? एकदम 16 आने सच। तो फिर खाओ भगवान का कसम। भगवान की कसम? तो फिर उन्हें ढूंढने का जरूरत नहीं, हमारे बच्चे ही आई है यहाँ। कहा मेरे दिल का हाल।
जानू होर न कुछ भी चाहिदा, तू मेरे नाल रवे, मेरे हाथ तो स्वर्ग भी जावे तो रब दी सौ कुछ न मलाल रवे। नैन नशीले देश में बाल हाय हाय ओए मैं डर के जावा हाय हाय। लाली लाली दुनिया में लाली रे दुनिया, लाली लाली दुनिया में। अरे बसी, अरे बचो बसी, काहे मारत है हमरे बबुआ को? शादी से पहले इतना मारत है तो शादी के बाद का करेगी? समझाओ ना मौसी। देखो तो अपने होने वाले मरदुआ पे हाथ उठाई रही है। देखो हम कह देते हैं, अगर हमरे बबुआ को तुम ज्यादा तंग करोगी ना तो ए बूढ़े दरवाजा खोल। एक कमीने लोग फिर आए गए, अब हम का करें? हम बोलता क्या नहीं, दरवाजा खोल। पूरे हराम के पिल्ले, इज्जत इसी में है कि दुख दबाए के भाग जा, वरना हड्डी पत्ती एक कर देंगे तो हाँ क्या? खबरदार, हम दुकान अंदर न जाए दे। हाथ हटा। नहीं। जब तलक हम जिंदा हैं, तो का अंदर न जाए देव। देखता है। अरे ओ चिमगादड़, किसे ढूंढत हो? वो प्यार के पंछी तो कब के फुर हुई गए? फूल वाली आप ही हैं? तुम काहे पूछा था? विजय, विजय, कम ऑन प्रिया, गेट अप।
her. तुम लोग इस खंडहर में कैसे आए? अरे ये खून कैसा? बाजू में गोली लग गई बाबा, यहाँ आसपास कोई डॉक्टर मिलेगा? यहाँ 15 मील आसपास तो कोई गांव ही नहीं बेटे। घबराने की कोई बात नहीं, फौरन गोली निकाल देने से जान को कोई खतरा नहीं होगा। मगर कैसे? अल्लाह बहुत बड़ा है बेटे। ठीक है बेटे, तुम गोली निकालो, मैं जख्म भरने के लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाता हूं। बेटे अब प्रिया बेटी की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है बाबा। कल से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया, ये लो बेटी। शुक्रिया बाबा। अरे शुक्रिया तो अल्लाह का अदा करो बेटी। विजय आज तारीख क्या है पता है? अच्छी तरह से, आज 21 तारीख है और आज मेरी प्रिया ने 18 बरस पूरे कर लिए है, है ना? अब हमें शादी करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती ना। तुम दोनों की शादी अल्लाह का नाम लेकर मैं करवाऊंगा बेटी। नहीं बाबा, हम आपको और तकलीफ देना नहीं चाहते, हमारे 5 दोस्त हैं। उनके बगैर तो हम शादी कर ही नहीं सकते। ठीक है, मगर उन दोस्तों को कहाँ ढूंढोगे बेटे? आज सब लोग मैसूर वृंदावन गार्डन में आकर हम दोनों का इंतजार करने वाले हैं। अच्छा बाबा, हम लोग चलते हैं। नहीं विजय बेटे, तुम दोनों के वहाँ जाने में बहुत खतरा है और वैसे प्रिया भी बहुत कमजोर हो गई है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, उन सबको यहीं ले आओ, तुम दोनों की शादी हम सब मिलकर यहीं कर देंगे। प्रिया को छोड़कर? हाँ विजय, बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं। बाबा, मैं अपनी जिंदगी आपको सौंप कर जा रहा हूँ, आप इसका ख्याल रखना। फिक्र मत करो बेटे, मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगा।
जाओ बेटे जाओ। प्लीज पीटर कुछ आइडिया निकाल, हम में से एक आदमी का वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। पीटर यार आज 21 तारीख है, अपुन ने विजय से वादा किया था कि अपुन चारों जहां भी होंगे आज के दिन अपुन उसे उसी जगह पर मिलेंगे जिस जगह अपुन लोग उससे जुदा हुए थे और उन दोनों की शादी करवा देंगे। आयर विजय और प्रिया आज वृंदावन गार्डन में आएंगे और वो दोनों हमारा वहां बेचैनी से इंतजार करेंगे। भीमा! गोपी! सलीम! पीटर! प्रिंसिपल अंकल! तुम ये मत समझना कि मैं बुजदिलिया कमजोर हूं। मेरे हाथ तुझ पर अब तक इसलिए नहीं उठ रहे क्योंकि हमारे प्रिंसिपल अंकल ने कहा है हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है जो इंसान अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सकता वो कायर कहलाता है। अगर दुश्मन तुम पर वार करे तो उसको ऐसा सन्नाटेदार घूंसा मारो कि उसकी अटड़ियों की दुनिया में पहुंचा ला जाए। रुक जाओ विजय। अगर विकी को कुछ हो गया तो तुम्हारे दोस्त भी जिंदा नहीं बचेंगे। वो चारों इस वक्त मेरी कस्टडी में है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये सुनो। पीटर यार आज 21 तारीख है, अपुन ने विजय से वादा किया था कि अपुन चारों जहां भी होंगे आज के दिन अपुन उसे उसी जगह पर मिलेंगे जिस जगह अपुन लोग उससे जुदा हुए थे और उन दोनों की शादी करवा देंगे। हाँ यार विजय और प्रिया आज वृंदावन गार्डन में आएंगे और वो दोनों हमारा वहां बेचैनी से इंतजार करेंगे। अब तो यकीन आ गया ना। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें जिंदा वापस मिले तो बदले में प्रिया को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हें अपनी शादी की शहनाई के साथ साथ दोस्तों की मौत का मातम भी मनाना पड़ेगा। हां बोलो अब कौन चाहिए तुम्हें, अपने दोस्त या मेरी बेटी? अगर दोस्त चाहिए तो तुम फौरन पहाड़ी वाले खंडर में प्रिया को साथ लेकर आ जाओ, मैं वहीं तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा। बोलो मंजूर है? दोस्तों से मिले? क्यों वो ही नहीं आया? तुम खामोश क्यों हो विजय? बोलो ना क्या हुआ, बोलो। हमारे चारों दोस्त तुम्हारे पिताजी के कब्जे में हैं। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली
तो तुम्हारे पिताजी उन चारों को जान से मार डालेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर उन चारों को जिंदा रखना है तो मुझे तुम्हें वहां ले जाकर उनके हवाले करना होगा। तुम यहां दोस्त, समझ में नहीं आता क्या करूं। तुमने क्या कहा? अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या जवाब देती प्रिया? मैं कहूंगी मुझे दोस्त चाहिए। यही तो मैं भी कहकर आया हूं। विजय, जब मैं ये सोचती हूं कि तुम मुझे नहीं मिलोगे तो दुख तो होता है ना, लेकिन जब मैं तुम्हारी दोस्ती की गहराई को देखती हूं तो मुझे गर्व होता है। अब तक मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, लेकिन आज से मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। बेटे, फांसी पर चढ़ने वाले कैदी की जब तबीयत खराब होती है तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वो डॉक्टर उसका अच्छी तरह से इलाज करता है, जानते हो किस लिए? उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए। यही तो मैं करने जा रहा हूँ। फिक्र मत करो विजय, हम दोनों ही जुदा हो रहे हैं, मगर हमारे प्यार को कोई मिटा नहीं सकता। बेटी, चलो विजय, चले जाओ बेटे, जाओ। मेरे दोस्त कहाँ हैं? विकी, विजय, तू प्रिया को लेकर क्यों आ गया? वापिस भाग जा, भाग जा। क्या बोलने, ये लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि तू अब उनकी जीत को हार में बदल दे? हमारा फिक्र मत करो विजय, we are ready to die for you। प्रिया को लेकर जाओ और उसे मैरिज करो। Go man, go, it's a struggle for us, go। सही, मैं अपने दोस्तों की लाशों पर अपनी मोहब्बत का मैल नहीं बना सकता। बेकार की बहस मत करो विजय। वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जान दे देते हैं। प्रिया, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, तुम इसे यहाँ से लेकर भाग जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ तुम लोग चाहिए। For God's sake, विजय, go from here, get away. Don't be crazy, man, go. भाग जाओ विजय, खुदा के लिए यहाँ से भाग जाओ। तुझे हमारी दोस्ती की कसम, भाग जाओ विजय। रघुनाथ जी, मैं आपकी बेटी को आपके पास भेज रहा हूँ, आप मेरे दोस्तों को मेरे पास भेज दीजिए। पहले तुम प्रिया को भेजो। मत रो प्रिया, मत रो। तूने क्या पागलपन किया? प्रिया के बिना तो मैं किसी तरह जी लूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों के बगैर नहीं जी सकता। ये क्या डैडी, मैं तो आपके पास आ गई हूँ, फिर आप उन पर गोली क्यों चलवा रहे हैं? इसलिए कि ये लोग कोई और ड्रामा ना कर सके और ये कहानी यहीं खत्म हो जाए। यस, वो क्या देखते हो? शूटर! नहीं! शूटर! शाबाश, इधर इधर, ये इधर खड़ा हूँ मैं। अंकल, शाबाश रघुनाथ जी, शाबाश। आप प्रिंसिपल होकर ये रिवॉल्वर पकड़ रहे हैं? क्या करें, मजबूरी है सर, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है ना। आप इज्जतदार और शरीफ आदमी होकर शैतान के रास्ते पे चल सकते हैं, तो क्या मैं प्रिंसिपल होकर बंदूक नहीं पकड़ सकता? लेकिन सर क्या है कि मैंने ये जिंदगी में पहली मरतबा पकड़ा है, ये कैसे चलाते मुझे मालूम नहीं है। अभी मैंने प्रैक्टिस की थी, इधर मारा तो फड़ उधर जाके लग रही थी।
इसलिए अगर आप टेढ़ी मेढ़ी मौत नहीं मरना चाहते हैं तो अपने लुच्चों से कहिए कि वो गन फेंक दे। अरे बोलो नहीं तो मेरे हाथ कांपने, बोलो। अबे ओ जुर्म के नाजायज औलादो, अगर तुमने मेरे बच्चों पे गोलियां चलाने की कोशिश की तो मैं यहाँ रघुनाथ जी का भेजा उड़ा दूंगा, याद रखना। और बाद में बंदूक का किराया भी नहीं मिलेगा, हराम मौत मरोगे मुफ्त में। अरे देखते क्या बोलो वरना गोली धकेलूंगा अंदर। अबे उल्लू के पट्टों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, हथियार फेंक दो। बड़े बेवकूफ गुंडे लेकर आए आप, अरे बंदूक फेंके खड़े क्यों हैं? इनसे कहिए भाग जाए यहाँ से। भागो भागो भागो। आपने विजय की ईमानदारी और इंसानियत को देखा रघुनाथ जी? कितनी शराबत से आपकी बेटी को उसने आपके पास लौटा दिया। वरना प्यार करने वाले अपने माँ बाप को, अपनी दोस्ती को, दुनिया की हर चीज को अपने प्यार पर कुर्बान कर देते हैं, मगर उसने अपनी दोस्ती पर अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। अरे बड़े बदनसीब है आप, जो ऐसे हीरे जैसे बच्चे को आपने दामाद बनाने से इनकार कर दिया। एक बात बताऊं, ये जो आदान प्रदान और अदला बदली का जो धंधा है ना, ये स्मगलरों का धंधा है, गुंडों का धंधा है, डाकुओं का धंधा है, मगर वो लोग इस बेईमानी के धंधे को भी ईमानदारी से निभाते हैं। अरे आपने तो बेईमानों को भी पीछे छोड़ दिया, मगर मैं अपना धर्म नहीं भूला हूं, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। प्रिया इधर बैठी। टैप बेटी, मैं इनको संभालता हूं, तू जा विजय के पास। रघुनाथ जी, अब इन स्टूडेंट्स का ये प्रिंसिपल आप लोगों को चैलेंज देके जाता है कि कल मैं सामने वाले मंदिर में विजय और प्रिया की शादी कराऊंगा, और अब की बार किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो रोक कर देख ले। इट्स माय चैलेंज विश्मिलक। भगवान विष्णु ओम मंगलम गरुडम ध्वजा ओम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरे स्वाहा वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटि संप्रभ निर्विघ्नम करु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अंकल अंकल, प्रिया का डैडी गुंडों का ट्रक भर के ले आए हैं और इसी तरफ आ रहे हैं। भाई साहब अब क्या होगा? आप क्यों फिक्र करती हैं, हम लोग हैं ना बड़ी जी। हाँ कदम कोई आगे नहीं बढ़ाएगा। बढ़ाया तो क्या कर लोगे? क्या करेंगे? घबराइए मत रघुनाथ जी, हम में से कोई गुंडा मोवाली या खूनी नहीं है। तुम कौन हो मैं ये जानने नहीं आया, मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूं। अगर किसी ने मेरे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। मैं जानता हूं रघुनाथ जी कि आप क्या कर सकते हैं और क्या करने आए हैं, इसीलिए आपके कदमों को रोकने के लिए मुझे मजबूरन जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी आज हथियार थमाने पड़े, मगर किसी का खून करने के लिए नहीं। जब तक ये शादी हो जाती है तब तक सिर्फ अपनी हिफाजत करने के लिए। दैट्स ऑल। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुद्धस्य गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं, अपनी जिद छोड़ दीजिए, वैसे भी देर हो चुकी है और धर्म के काम को रोकना अच्छा नहीं है। थोड़ी देर में दोनों शादी के बंधनों में बन जाएंगे, उसके बाद जो जी मैं सो कर लीजिएगा। इतनी सी बात मान लीजिए मेरी। शादी हो जाने के बाद क्या माला पहनाकर उनका स्वागत करूं, उन्हें गले लगाऊं? मारो सालों को। मैं बार बार कहता रहा हूं कि खून खराबा हमारा पहले भी मकसद नहीं था और आज भी नहीं है। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि विजय और प्रिया की
मोहब्बत कामयाब हो जाए, दोनों की शादी हो जाए। इसीलिए आज तक हम ये जंग शांति से लड़ते आए, मगर ऐसे लगता है जैसे ये दुनिया बिना हथियार के शांति का मतलब समझती नहीं है। बंदूक के मुंह से गोलियों के शब्दों में जब शांति का मतलब समझाया जाए तो दुनिया को जल्दी समझ में आ जाता है। तो फिर यही जबान समझिए आप लोग। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी इन गीदड़ भपकियों से हम डर जाएंगे? सर काट दो इनका। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। एक दिन तो महाबुद्धि सर्वज्ञ गणाय का सर्व सिद्धि। मकसद को पूरा करने के लिए मैं अभी तक आप लोगों को बातों में उलझाया हुआ था, झूठ मुझे हथियारों की धमकी दे रहा था, वो मेरा मकसद पूरा हो गया है। ये दो बच्चे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, दीवानावार प्यार करते हैं, और ये लोग अपने दोस्त के प्यार को कामयाब देखना चाहते थे और मैं अपने इन बच्चों को खुश देखना चाहता था, इसीलिए मैं जंग में शामिल हो गया। मगर आज से मेरा ये रोल खत्म हो गया, आपका रोल शुरू होता है। विजय का रिश्ता हमसे ज्यादा गहरा और मजबूत हो गया है आपके साथ। ये आपकी बेटी की मांग का सिंदूर है, आपका दामाद है। शकुना जी, मैं और ये सब बच्चे आपके मुजरिम हैं। आप चाहें तो ये गन लेकर हम लोगों का सीना छलनी कर दीजिए, हम लोगों की लाशें गिरा दीजिए, मगर इन बच्चों के प्यार को अपना लीजिए, अपनी बेटी और अपने दामाद को सीने से लगा लीजिए। सर लीजिए सर, फैसला आपके हाथ में। अंकल, बेवकूफ, तुम ये भूल गए कि कोई भी बाप कितना कमीना क्यों ना हो, वो अपनी बेटी को विधवा होते हुए कभी नहीं देख सकता। विजय बेटे, प्रिया, खुश अंकल, अगर आप जैसे दोस्त नुमा प्रिंसिपल का साथ ना होता तो हम कब के मर गए होते? अरे तुम्हारे जैसे दोस्त नुमा स्टूडेंट अगर ना होते ना तो ये प्रिंसिपल भी नहीं जाने कब का मर गया होता। अरे छोड़ो, मरने वाले की बात छोड़ो, अब मेरी एक बात सुनो। मोहब्बत की कामयाबी तो तुम लोगों ने हासिल कर ली, लेकिन जिंदगी की कामयाबी हासिल करना भी बाकी है, इसलिए आज से ये कदम, कल से कॉलेज जाना है। यस सर। और जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक ये नहीं है। इश्क जलवा खो जाता है, नादान सुन। इश्क जलवा खो जाता है, नादान सुन। उसके बंदों से ये उसका फरमान सुन। उसके बंदों से ये उसका